हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैक्ट्स अनप्लग्ड। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अंटार्कटिका महासागर के बारे में, जो कि दुनिया का पांचवा महासागर है। आखिर इस महासागर में ऐसा क्या है जो इसे अन्य महासागरों से अलग बनाता है, आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अंटार्कटिका महासागर दक्षिण ध्रुवीय महासागर के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम सागर दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हैं। दक्षिणी ध्रुव को इंग्लिश में साउथ पोल कहा जाता है और इस महासागर को साउथर्न ओशियन के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम अंटार्कटिका महासागर कैसे पड़ा, तो मैं आपको बता दूं, ये महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है, इसीलिए इसे अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। दोस्तों, एक बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि सन 1911 में दक्षिणी ध्रुव पर एक भी इंसान नहीं पहुंच पाया था, और इस महासागर में कई ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अन्य महासागरों की तुलना में एकदम अलग हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान भी माना जाता है, और इसी वजह से यहाँ कोई स्थायी निवास नहीं है। यहाँ केवल पेंगुइन, सेल और अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। अंटार्कटिका महासागर व्हेल मछली के शिकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से व्हेल मछली का बड़ी मात्रा में व्यापार किया जाता है। अंटार्कटिका महासागर विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवा वाला महासागर है। यहाँ की खास बात यह है कि इस महासागर में विशालकाय हिमशैल या कहें तो हिमखंड तैरते रहते हैं। दोस्तों, कई हिमखंड की ऊंचाई तो इतनी ज्यादा होती है कि इसके सामने पृथ्वी के कई पहाड़ बौने नजर आएंगे। समुद्री खोजकर्ताओं ने इस महासागर में कई ऐसे प्रकार के हिमशैल भी देखे हैं जिनका क्षेत्रफल 100 वर्ग मील से अधिक था। इनमें से कुछ हिमशैल की मोटाई 1000 फीट से भी अधिक थी। सर्दियों के दौरान अंटार्कटिका महासागर का आधा हिस्सा हिमखंडों और बर्फ में ढक जाता है। अंटार्कटिका की बर्फ की चादर, कुछ बर्फ और हिमखंड टूटते हैं और अंटार्कटिका महासागर के पानी में तैरते हैं। कुछ हिमशैल तैरते तैरते सीमा पस्त या अन्य सागरों में भी चले जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में पेंगुइन की सबसे बड़ी प्रजाति अंटार्कटिका महासागर की बर्फ और अंटार्कटिका महाद्वीप पर रहते हैं। दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका में अंटार्कटिका महासागर की सीमाओं के भीतर। ये महाद्वीप दुनिया का सबसे ठंडा महाद्वीप है। अंटार्कटिका महासागर में गर्मी का मौसम अक्टूबर से फरवरी तक चलता है, जबकि सर्दियों का मौसम मार्च से सितंबर तक चलता है। अंटार्कटिका महासागर की बर्फ की सतह के नीचे समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अंटार्कटिक महासागर का सबसे गहरा हिस्सा दक्षिणी सैंडविच ट्रेंच के दक्षिण छोर है, जो कि 23,000 फीट गहरा है, और इस महासागर की औसतन गहराई 13,000 फीट से 16,000 फीट है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ का तापमान -100 डिग्री से भी कम हो सकता है। धरती पर सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिक में ही दर्ज किया गया है, जो कि -128 डिग्री फ़ारेनहाइट था। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका महासागर की ओर अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ की चादर पिघली तो दुनिया भर के समुद्र की ऊंचाई 65 मीटर तक बढ़ जाएगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और जानकारी जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।